बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र यूपी के आल यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं राम मनोहर लोहियाबाद यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, MJP आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी की, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। ये 2022 में एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। एग्जाम 2022 में क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसका कलर को चेंज कर देते हैं, जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस, ठीक है। एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। जो भी छात्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और हाँ सुन लो, और एक न्यू चैनल खुल चुका है यार, खिलाड़ी भैया XYZ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। खिलाड़ी भैया XYZ क्या है बेटा? खिलाड़ी भैया XYZ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखो, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, 17 से 18 क्वेश्चन आपको पता है कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं, पर पेपर में 18 से 20 क्वेश्चन, जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसे कि बात करूं आगरा यूनिवर्सिटी की, यदि बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4 क्वेश्चन करने होंगे, 10 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। अब जब 10 में से 4 क्वेश्चन करने हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? अरे यार, क्या मुफ्त के मिल जाएंगे सारे नंबर? नहीं मिलेंगे बेटा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब जान रहे मेरी बात को, कि ये जो 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसमें भी आपके 8 क्वेश्चन छुपे होंगे। आप कहोगे कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा जब पेपर दोगे तब पता चलेगा, चिंता ना करो। कैसे होगा ये? क्योंकि जो भी यदि क्वेश्चन दिया होगा उसके दो दो खंड दे रखे होंगे, आधे आधे खंड, उसको दो भागों में डिवाइड किया होगा प्रत्येक क्वेश्चन को। इस तरीके से 10 क्वेश्चन के हिसाब से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो दो घंटे में यदि डिवाइड होंगे, और आपको केवल 4 क्वेश्चन होगा और दो के हिसाब से 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे टोटल। समझ रहे ना, उनका करने का तरीका और आपको दिखाने का तरीका भाई अलग है ना। कहते हैं कि हाथी के जो दांत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, वही तरीका है। आपको दिखाए 10 जा रहे हैं, कर रहे 4 ही हैं, समझ रहे हो, लेकिन 4 के अंदर जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कैसा क्या जब पेपर आएगा, चिंता मत करिए। फिलहाल बस इतना कहना चाहूंगा कि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, कुछ नहीं जा रहा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो, 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, BSc थर्ड ईयर वालों के लिए, और कौन सा है? केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, यहां फर्स्ट पेपर है। अब देखो किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है बेटा, सेकेंड पेपर को फर्स्ट पेपर बना देता है और फर्स्ट पेपर को सेकेंड पेपर बना देता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन करना है और उसमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन सर बता रहे, मतलब कि सूरज राज बता रहे, वो क्या सच में मेरे इस पेपर में मिल रहा है, चेक कर लीजिए। यदि जो जो क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन पर टिक लगा लो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला यूपी के अंदर कोई पैदा तो है नहीं, ये बात क्लियर लिख के ले लो। अब आप 2022 वालों याद रखना, यही पढ़ के जाना, बाकी कुछ नहीं। यह बोला गया माइकेलसन मॉर्ले का प्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लो बेटा। जब मैं जो बॉक्स में बंद कर दूं, समझ लेना भाई आ रहा है पेपर में, समझ लेना, समझदार हो तुम समझोगे। ये सभी को पता है, इसको देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया माइकेलसन मॉर्ले का प्रयोग, उसके बाद में है फर्मी ऊर्जा। अब देखो फर्मी ऊर्जा से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से? एक बनेगा फर्मी ऊर्जा, फर्मी एनर्जी किसे कहते हैं, एक बनता है फर्मी लेवल। लेवल का मतलब होता है फर्मी स्तर, स्तर क्या होता है, ये क्वेश्चन देखें। उसके बाद में आता है क्या होता है, इसको मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, ठीक है, इनसे मिल को छोड़ दीजिए, खत्म करो इसको, क्योंकि वही बताऊंगा जो पेपर में छप रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फटाफट दोस्तों को शेयर कर देना, जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। अब देखो यहां देखो, आदर्श गैस समीकरण के बारे में, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, इसको ध्यान से आपको पढ़ के जाएंगे। यह आइंस्टीन गैस के, यह बोला है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, एक होता है E बराबर होता है
एम सी स्क्वायर ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में आपको क्या कर लेना बेटा, एक्सप्लेन कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेग के साथ, देखो वेग के साथ द्रव्यमान की भिन्नता, तो वेग के साथ द्रव्यमान की भिन्नता कैसी होती है उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ओके, उसके बाद में नीचे जाइए, टिक लगाओ बेटा, आइंस्टीन का प्लैंक विकर्ण नियम, इसको देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्लैंक विकर्ण नियम ये आप याद करेंगे, साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे कहते हैं एफ डी। देखो यहां बोला जाता है फर्मी ड्राक वितरण और एक होता है फर्मी ड्राक विकर्ण, विकर्ण और वितरण दोनों को याद कर लेना है। क्या करना है बेटा, विकर्ण और वितरण दोनों को याद कर लेना है। देखो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो, ये है फर्मी ड्राक वितरण और ये जो नीचे वाला देख रहा है ये वाला, ये है फर्मी ड्राक, ये वितरण है, वितरण को याद करेंगे, ये होता है विकर्ण। बस इतना आपको कंफ्यूज करना है और दोनों में आपसे अंतर पूछता है और 100% पेपर में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, इस बात को आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगा लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहां देखिए ल्यूवेन की प्रमेय सिद्धांत का महत्व, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट पर लगा लेना इसको, लारेंज रूपांतरण मोस्ट पे लगा देना। ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है, हर यूनिवर्सिटी में टॉपर बनने वाले हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, समझ रहे, चिंता ना करो कतई। अभी यहां देखो पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, बस यही पढ़ के जाना, अभी बस यही पढ़ना है। आपके पास बुक नोट्स के पर जो भी है, आपका भाई बहन बीएससी बीए बीकॉम एमएससी एमकॉम कर रहा है, चल वो बोल दो कि पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर ले, वही जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ। पहला पेपर जब दोगे ना विश्वास हो जाएगा पेपर हैकर पर आपको। यहां देखिए लंबाई का संकुचन क्या होता है, इसको देखिए, यहां कह रहा है चरण स्पेन के विभिन्न जो विभाजन कोशिका होती है, चरण स्पेन स्पेस का जो विभाजन कोशिका होती है, हो सके तो पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है इतना भारी क्वेश्चन पढ़ने की, हो सके यदि गॉइस पेपर में आपके नोट्स में ये क्वेश्चन दिया हो तो पढ़ लेना, ना दिया हो तो छोड़ देना। लारेंज रूपांतरण की समीकरण का प्रयोग और नियम ये पढ़ के जाना पड़ेगा बेटा, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही कोई इसको छोड़ने की जरूरत है। बेग का जड़त्व प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेग की जड़त्व प्रमेय, यहां देखिए बोल्ट जमीन का एंट्रोपी प्रवणता प्रवलिटी इसे बोलते हैं में संबंध, जैसे आदर्श गैस समीकरण बोला जाता है, आदर्श गैस समीकरण के अंतर्गत रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक एक क्वेश्चन छपेगा जो बता रहा हूं, यहां बोला गया है क्या बोला गया है, सूचतम अवस्था क्या होती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। यह है बॉस आइंस्टीन की संख्यांकी के विकर्ण नियम और वितरण नियम, यह आइंस्टीन के द्वारा विकर्ण नियम है और वितरण नियम, दोनों नियम को पढ़ लेना आइंस्टीन के द्वारा, और डीएफ विकर्ण नियम और डीएड वितरण नियम दोनों को पढ़ लेना, ऊपर जो भी बताए थे मैंने। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यही पढ़ना है क्योंकि आपको 2022 का टॉपर बनना है और आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, इन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपको यह विश्वास आ जाएगा जब आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहां देखो यहां बोला गया है मैक्स बेल के वेग वितरण नियम के निगमन के बारे में, तो मैक्स बेल का जो वेग वितरण नियम था इसको आप पढ़ के जाएंगे। पृथ्वी के जड़त्व फ्रेम के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके निर्देशक तत्व के तहत आपको बताना है। और वही देखिए नीचे क्वेश्चन है द्रव्यमानहीन कण के उदाहरण सहित, द्रव्यमानहीन कण क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा आपसे पूछ लेता है, जिसे प्रेक्षता बोलते हैं हिंदी में। और यहां कह रहा है बोल्ट जमीन एंट्रोपी में संबंध, बोल्ट जमीन एंट्रोपी जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। नीचे हम जाएंगे और यहां बोला गया है संख्यांकी यांत्रिक के मुख्य अभिग्रह, इसको छोड़ देना है, अभिग्रहित के बारे में। यहां आप देख रहे हैं ना आर एम एस स्पीड और मोस्ट प्रोबल स्पीड वैल्यू, जिसे कहते हैं गति क्या होती है और गति का मान, दोनों में संबंध पूछ लेता है, गति क्या होती है और गति के मान के बारे में ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत है तो किसी को बताइए। समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताइए, समझ में आएगा आपको। देखिए हो गया आर एम एस स्पीड ये वाला, गति क्या होती है, गति का मान वैल्यू क्या होती है, गति का, देखो गति
बाप बेग के वितरण में आपको संबंध पूछ लेता है कि बेग का वितरण के बारे में और गति के बारे में आपसे अंतर पूछ लेता है, ये याद करके जाना है। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर आप देख रहे हैं। उसके बाद में आता है एंट्रोपी रेखाओं के डॉपलर पृथक्करण की व्याख्या, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। उसके बाद तापमान के गतिज अवधारणा क्या होती है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये पढ़ के जाएंगे आप सभी लोग। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कह रहा है कुल ऊर्जा के साथ कणों का वितरण, कुल ऊर्जा के साथ कणों का वितरण कैसे होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखो, यहां बोला गया है गैलीलियन संलक्षण नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको मोस्ट पे इंपोर्टेंट लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद में क्या है, यहां देखो थर्मोडायक, थर्मोडायक प्रोबेबिलिटी के बारे में, थर्मोडायक जो प्रोबेबिलिटी होती है इसे संभाव्यता बोल सकते हैं, इसके सिद्धांत को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में ताप की गतिज अवधारणा, ये मैं बता चुका हूं ऊपर। यहां देखिए बॉडी चैम्बर, बॉडी चैम्बर क्या होता है, फोटोन इन ब्लॉक, बॉडी चैम्बर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, तो आपको ये कैसे लगे, आपको ये नहीं बताना है कैसे लगे, बस आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस में मिले, और मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना यस सर मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। और मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, और यदि नहीं मिल रहे ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो आप मुझे सीधे कॉल कर देना कि सर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ये है और मुझे आप मेरी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, मुझे मेरे हिसाब से सिलेबस के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दो सर, मैं आपको बना दूंगा यार, चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तुम, 2022 के टॉपर बनने वाले हो, मजाक नहीं है, 2022 के, समझ रहे ना। सेकंड पेपर में सेकंड वीडियो बनाऊंगा, सेकंड जो कि ऑलरेडी अभी हाल ही में वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, उसमें इसके सेकंड पेपर के बारे में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।